अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 18 और इसमें हम बेटा नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस पढ़ेंगे कि गैसेस जो होती हैं वो आइडियल बिहेवियर से क्यों डेविएट कर जाती हैं। तो इसमें सिंपल सा एक बेसिक कंसेप्ट है कि जो आइडियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती हैं। हमने पढ़ा हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बेटा, PV इज इक्वल टू NRT होता है। आइडियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV ओवर RT को कहा जाता है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1 के इक्वल। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से बढ़ जाए या 1 से कम हो जाए तो दोनों सूरतों में गैसेस कौन सा बिहेवियर शो कर रही होती हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही होती हैं। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम को कम होना चाहिए, ये स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ की। वॉल्यूम को इतना कम होना चाहिए कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 रहे, क्योंकि आर जनरल गैस कॉन्स्टेंट है और जब ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं बॉयल्स लॉ तो उसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है। अगर वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आती, कम आती है या ज़्यादा आती है, तो सिंपल सी बात है कि फिर प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में इस तरह का डिक्रीज नहीं हो रहा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो है वो 1 रहे, वो कांस्टेंट रहे। तो फिर गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब हम ग्राफ की मदद से देखते हैं कि बाज़ गैसेस जो हैं, कुछ गैसेस होती हैं उनका बिहेवियर जो डेविएशन का है वो पॉजिटिव ही रहता है, यानी वो पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। कुछ गैसेस होती हैं जो पहले जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं लो प्रेशर पर, यानी उनकी वैल्यू 1 से लेस हो जाती है, और हाई प्रेशर पर वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं और उनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। तो ये हम दो ग्राफ देखते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर फॉर डिफरेंट गैसेस। पहला बेटा ग्राफ देखें, इस ग्राफ में प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर में है, इसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर हम लेने जा रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी ओवर आरटी, विच इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैसेस। ये 0.1 है बेटा, ये 1.5 है, यहां पे वैल्यू 2 है। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू ये 1 होती है, इसका मतलब ये आइडियल गैस है। आप प्रेशर को चेंज करते जाएं, यहां 200 एटमॉस्फेयर हो जाए, यहां बेटा 400 हो जाए, यहां बेटा 600 हो जाए, यहां 800 हो जाए, 1000 हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम को इस तरह से डिक्रीज होना चाहिए कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 के इक्वल रहे, तब वो गैस आइडियल है। 1 से बढ़ जाती है तो वो पॉजिटिव डेविएशन है, 1 से कम हो जाती है तो वो नेगेटिव डेविएशन है। अब फोर डिफरेंट गैसेस, सबसे पहले हम जो गैस लेने जा रहे हैं वो बेटा गैस कौन सी है, वो गैस है हीलियम। जो हीलियम है उसकी लो यहां पे बेटा क्या है, इस रेंज में प्रेशर लो है और इस रेंज में बेटा क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है। अब लो प्रेशर की वैल्यू देखते हैं तो हीलियम के लिए ये बेटा मैंने लाइन ड्रा की, इसका मतलब लो प्रेशर पर हीलियम जो है वो आइडियल गैस की लाइन के करीब है, इसका मतलब उसमें डेविएशन जो है वो एज सच इतनी ज्यादा रैपिडली नहीं हो रही। हाई प्रेशर के ऊपर जाके इसने डेविएट किया, पॉजिटिव डेविएशन शो की। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन, ये आपके सामने मैंने हाइड्रोजन गैस H2 बनाया, इसकी डेविएशन देखें तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है लो प्रेशर पर भी और हाई प्रेशर पर भी। उसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन, ये बेटा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपके सामने है, इसका जो बिहेवियर है वो एकदम से चेंज हुआ। इसने पहले क्या किया, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है 1 आइडियल गैसेस के लिए,
ये नीचे आ गया 0.5 की तरफ, इसने बढ़ना शुरू कर दिया, यानी इसने कौन सी डेविएशन कर दी बेटा, इसने नेगेटिव डेविएशन कर दी, ये बेटा कर रही है नेगेटिव डेविएशन। और जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं तो उसका तो बड़ा अजीब सा बिहेवियर है, उसमें एब्रप्ट डिक्रीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, किसके लिए, लो प्रेशर पर उसकी वैल्यू एकदम से चेंज होकर नेगेटिव वैल्यू की तरफ चली जाती है, सॉरी नेगेटिव डेविएशन की तरफ चली जाती है 0.5 की तरफ, और फिर हाई प्रेशर पर भी ये जाके इन तीनों गैसेस की तरह जो है वो आइडियल गैस से ऊपर लाइन से चली गई, यानी कौन सी डेविएशन कर रही है बेटा, इसने ये पॉजिटिव डेविएशन की है। तो यहां से ये सारा जो ग्राफ मैंने बनाया है ये लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाया है, तो यहां से ये बात इंडिकेट हो रही है कि लो टेम्परेचर के ऊपर अगर हम इसको कांस्टेंट रखें तो प्रेशर की वैल्यू जब लो होती है उस वक्त दो गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम ये आइडियल गैस की लाइन के करीब होती हैं, और दो गैसेस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये लो प्रेशर पर नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं, लेकिन चार की चार गैसेस ऑल द फोर गैसेस एट हाई प्रेशर के ऊपर क्या करती हैं, दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, तो इसे पॉजिटिव डेविएशन कर रही हैं, तो इनकी वैल्यू 1 से बढ़ गई है। अब इसी ग्राफ को हम ड्रा करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एट हाई टेम्परेचर, और हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी तब्दीलियां रुनुमा होती हैं। तो इस ग्राफ को आपने ज़हन में रखना है, ये लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, अब हाई टेम्परेचर पर देखते हैं कि क्या होता है। तो बेटा मैं इसी ग्राफ को अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्रा करने जा रहा हूं। अब इसमें हम बिहेवियर को चेक करते हैं कि चार गैसेस जो हैं अपने बिहेवियर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी हाई टेम्परेचर पर कैसे चेंज करती हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने बात की थी हीलियम की, हीलियम ने लो टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पॉजिटिव डेविएशन शो की थी, अब हाई टेम्परेचर पर देखते हैं तो इसने अब भी क्या शो की है, पॉजिटिव डेविएशन, यानी इसकी वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की 1 से ग्रेटर है। लेकिन एक बात यहां पे तवज्जो से देखें तो हीलियम की लाइन हाई टेम्परेचर पर आइडियल गैस वाली लाइन के क्लोज हुई है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम का बिहेवियर जो है वो आइडियल गैस की तरफ जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो इसने भी अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज किया है, पॉजिटिव डेविएशन जरूर शो की है लेकिन इसकी लाइन भी आइडियल गैस की लाइन के थोड़ा सा क्लोज जरूर हुई है। तीसरे नंबर पर है नाइट्रोजन, हमने नाइट्रोजन के बारे में बेटा कहा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये क्या शो करती है बेटा, ये शो करती है हमने कहा था नेगेटिव डेविएशन, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाकर हम देख रहे हैं तो यहां पर इसका बिहेवियर जो है वो नेगेटिव की तरफ नहीं गया, इसने पॉजिटिव डेविएशन ही शो की है लो प्रेशर के ऊपर भी हाई प्रेशर के ऊपर भी, और फोर्थ गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका बिहेवियर भी थोड़ा सा बदला है, पहले इसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एब्रप्ट डिक्रीज शो किया था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बहुत कम हुई थी, नेगेटिव डेविएशन शो की थी, लेकिन अब हाई टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू थोड़ा सा कम हुई है, नेगेटिव डेविएशन जरूर शो की है लेकिन बहुत ज्यादा नीचे की तरफ ये लाइन नहीं जा रही, और हाई प्रेशर पर इसने कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, पॉजिटिव डेविएशन शो की। तो ये चीज तो हम नोट कर रहे हैं कि चाहे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है या 100 है, हाई प्रेशर के ऊपर आप देख रहे हैं कि ऑल द फोर गैसेस शोज पॉजिटिव डेविएशन, इनकी वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की 1 से ज्यादा हो जाती है तो ये आइडियल गैस से इनहराफ कर जाती हैं। अगर इन तमाम दो ग्राफ्स के हम पॉइंट्स को बिहेवियर को समराइज करें तो मैं ये कह सकता हूं कि दो कंडीशंस हैं जिस पर गैसेस आइडियल होती हैं, गैसेस आर आइडियल, और दो कंडीशंस ऐसे हैं गैसेस आर नॉन आइडियल, जिन पर गैसेस नॉन आइडियल हो जाती हैं, नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। गैसेस बेटा आइडियल कब होती हैं, जब क्या हो, जब बेटा प्रेशर लो हो और टेम्परेचर क्या हो बेटा, हाई हो।
तो एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर गैसेस आर आइडियल, और नॉन आइडियल कब होती हैं? गैसेस बिकम नॉन आइडियल व्हेन प्रेशर इज हाई, यहां पे देखिए प्रेशर हाई है, एंड व्हेन टेम्परेचर इज लो, व्हेन टेम्परेचर इज लो। तो ये दो कंडीशंस हैं जिन पर गैसेस क्या हो जाती हैं बेटा, नॉन आइडियल बिहेवियर को शो कर। बेटा अब हम देखने जा रहे हैं कॉजेस फॉर डेविएशंस फ्रॉम आइडियलिटी या आइडियल बिहेवियर। गैसेस जो होती हैं वो आइडियलिटी से या आइडियल बिहेवियर से इनहराफ कब करती हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि डेविएशन की दो रीजन होती हैं, गैसेस नॉन आइडियल या रियल कब बनती हैं, जब प्रेशर हाई होता है टेम्परेचर लो हो जाता है। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर फॉल्टी पॉइंट्स हो जाते हैं, दो पॉइंट्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के गलत हो जाते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी केएमटी के दो पॉइंट्स कौन से फॉल्ट हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, फॉल्टी पॉइंट्स कौन से हैं? तो बेटा पहला पॉइंट हम देखते हैं, हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या कहा था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। सेकंड हमने कहा था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, नजरअंदाज किया जाता है एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, या आप कंटेनर कह सकते हैं। तो बेटा ये दो पॉइंट हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बहुत अहम पॉइंट थे। मैंने आपको बताया था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स ऑर्डिनरी प्रेशर के ऊपर, आम प्रेशर के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स का के दरमियान कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। सेकेंड हमने कहा था कि ऑर्डिनरी प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर के ऊपर जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस के मॉलिक्यूल्स का, लो प्रेशर पर ये नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन ये दो पॉइंट फॉल्स हैं, गलत हो जाते हैं। कब गलत हो जाते हैं? जब प्रेशर हाई होता है टेम्परेचर लो होता है। तो इसकी मैं आपको रीजन बताता हूं, ये लो प्रेशर पर गैस है और एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, हम देख रहे हैं। व्हेन प्रेशर बिकम्स हाई, आप प्रेशर को हाई करते हैं, मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, ये यहां पे देखें मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, एम्प्टी स्पेसेस आर रिड्यूस्ड, एम्प्टी स्पेसेस कम हो गई। जब एम्प्टी स्पेसेस कम होंगी तो गैसेस एक लिमिटेड एरिया के अंदर ऑक्यूपाई होंगी और ये फ्री हो जाएगा, ये पार्ट, ये पोर्शन कंटेनर का फ्री हो जाएगा। अब यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड है, उन्होंने ये वॉल्यूम घेरा हुआ है, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है अब गैस के मॉलिक्यूल्स का नेग्लिजिबल नहीं रहा, नॉट नेग्लिजिबल एट हाई प्रेशर टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। सेकंड, जब गैस के मॉलिक्यूल करीब आते हैं एट लो टेम्परेचर, हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जब आप टेम्परेचर को लो करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बेटा कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल्स की मोशंस कम होंगी, मोशंस कम होंगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे और उनमें क्या पैदा हो जाएंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होंगी, ये पॉइंट गलत हो जाएगा कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। तो केएमटी के दो फॉल्स पॉइंट हो जाते हैं अंडर टू कंडीशंस, वो कंडीशंस कौन सी हैं, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर के ऊपर, लो टेम्परेचर के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल करीब आते हैं, एम्प्टी स्पेसेस रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती हैं और एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो भी नेग्लिजिबल नहीं रहता। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ये दो पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये फॉल्स हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे
कि अब जब गैस नॉन आइडियल हो गई है, उसने आइडियल गैस इक्वेशन को तो ओबे नहीं करना, तो फिर वान डर वाल ने एक नई इक्वेशन बनाई नॉन आइडियल या रियल गैसेस के लिए 1873 में, उसे वान डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।